Good afternoon, friends. This is Sanjay Agarwal. Today I'm joined with Mr. Atul Bharat. He comes from Indore. And he was just on a panel discussion. About a path when we want to be a product nation. So Atulji comes from Indore. He's a teacher. He's an academician. Sir, aapka bahut acha laga hum logo sabko. And today we are here at the Software Technology Parks of India. So in the morning we had the secretary, Meti was there, Arvind Kumarji, the DG was there, sir, and Saurabh Srivastavji was there in the morning, who was the chairman emeritus for Thai NCR, and we have along with him Alok Mittalji. There's so many. The list is endless. And now we'll give it to Atul ji. आप अपने बारे में थोड़ा परिचय देंगे और ये जो आज आप लोग ने इधर अटेंड करा है इसमें कोई कैसे व्हाट इज द टेक अवे सर? देखिए क्या है कि मैं पकड़ता हूँ हमारे भारत का सबसे अहम सवाल ये है कि हमारे बच्चों की जो शिक्षा है वो नौकरशाही में हुई. हम हमारे बच्चों से ये पूछते हैं कि तुम बड़े होके क्या बनोगे, जबकि हमें उनसे ये पूछना चाहिए कि तुम बड़े होके हमारी कौन सी प्रॉब्लम के लिए क्या क्रिएट करोगे, क्या सॉल्यूशन ढूंढोगे. तो चूंकि हमारे यहाँ पुश्तों से हजारों सालों से ये आता जा रहा है कि हम सर्विस इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, चूंकि हम नौकरी पेशा समाज में बड़े हुए और हम उसी को ही आगे लेके चलते हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि हमें पढ़ना लिखना है और हमें नौकरी करना है. इसीलिए भारत पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सर्विस इकोनॉमी है, प्रोडक्ट इकोनॉमी नहीं बन पाई. जब आज का टॉपिक था ये कि हमारे देश को हम प्रोडक्ट ओरिएंटेड नेशन कैसे बना सकते हैं, हम एक प्रोडक्ट बनाने वाला देश कैसे बना सकते हैं, तो हमें सोच बदलनी पड़ेगी. हमें वो जो सोच है कि तुम क्या बनोगे से क्या हमें क्या बनाओगे पे जाना पड़ेगा, जहाँ पर हमें हमारी शिक्षा का ढंग बदलना पड़ेगा. जहाँ पर अभी हम सिर्फ किताबें पढ़ाकर हमारे बच्चों को पैसे कमाने की मशीन बना रहे हैं, पैसे कमाने की मशीन ना बनाकर पैसे बनाने की मशीन बनाना होना चाहिए. दे शुड बी मेकिंग प्रोडक्ट्स. भारतीय जो दिमाग है, जो बच्चे हैं, उनका एजुकेशन सिस्टम है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो सर्वाइवल है, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स में जब बच्चा बड़ा होता है तो वैसे ही वो बहुत अच्छा स्टडियस निकलता है, वो बहुत परसिस्टेंट होता है, वो बहुत लिमिटेशंस और कॉन्स्टेंट्स में काम करने वाला होता है, वो सारी मुश्किलों को पार करके वो पढ़ लिख के बड़ा बनता है. लेकिन आप देखेंगे कि इंडिया में जो है वो डॉक्टर कलेक्टर बन जाता है. तो इसलिए होता है क्योंकि माँ बाप और समाज और जो हमारे आसपास के जो लोग हैं उनका थोपा हुआ जो एक शिक्षा का एक स्तर है, स्तर नहीं कहना चाहिए, शिक्षा का जो क्षेत्र वो चूज़ करता है, वो अपनी इच्छा से नहीं करता. हमें बच्चों को वो छूट देनी चाहिए कि वो अपनी इच्छा से अपनी चीज़ों को पढ़े. भारत को अब हम डेवलपिंग नेशन ना कहते हुए डेवलप्ड नेशन कहना चाहिए, क्योंकि अब हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई और हम दुनिया से कॉम्पीट करने लगे. अब हम डेवलपिंग नहीं हैं, हम डेवलप्ड हैं. तो इस तरीके से अब नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई, NEP आ गया, रिसोर्सेज हो गए. आज से 10 साल पहले 15 साल पहले स्टार्टअप और प्रोडक्ट बनाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे पा रही थी. लेकिन अब आज की डेट पर जब सारी मुश्किलें ख़त्म हो गई, सारी समाज की बहुत सारी व्यवस्थाएं अभी भी सुचारू रूप से नहीं चल पा रही, लेकिन ये भी एक नई चीज़ उभर के आई है जहाँ पर हमारे अपने बच्चों को हमें इनोवेटिव और प्रोडक्ट ओरिएंटेड बनाना चाहिए. आपने जो बोला है वो हमें हमारे बच्चों को वाय पूछने का अधिकार नहीं है, हाउ पूछने का अधिकार है. हाउ पूछने का अधिकार है यानी हम कैसे इसको करें. वो ये नहीं पूछते कि हम क्यों करें, हम क्यों पढ़ें, हम ये क्यों खाएं. वो कभी भी अपने से वाय नहीं पूछते. तो जब तक वो वाय नहीं पूछेगा तब तक वो प्रोडक्ट नहीं बनाएगा. आपने जैसे बोला तो आई रिमेम्बर कि जो हम लोग स्कूल में थे तो उधर एक बुक थी लाइब्रेरी में, हाउ व्हेन व्हाई हाउ. Yes. वो हम लोग पढ़ते थे तो उसमें जैसे आप काफ़ी वो आपने जो बोला बिकॉज टैलेंट पूल जो है वो हाँ, हमारा आपने बोला कि सर्विस में लग जा रहा है क्योंकि हम उसको उसी तरीके से बड़ा कर रहे हैं, हम उसको उसी तरीके से पढ़ा रहे हैं. Right. एक बच्चे को ये मालूम है कि मुझे पढ़ाई करना है और उसके बाद नौकरी करना है. Yes. वो कभी अपने बिजनेस करने के लिए नहीं सोचता. इज ओनली थिंकिंग ऑफ गेटिंग जो आपने बोला कॉलोनियल उससे है, प्लस वो सैलरीड में रहना चाहता है, सिक्योर रहना चाहता है. वही माँ बाप उसको उसी स्टार्टअप में 10 लाख रुपए में नौकरी करने के लिए देते हैं और वही माँ बाप उसको स्टार्टअप चालू करने के लिए रोकते हैं. तो ये गलत है ना. मेरा एक सवाल था कि सोच बदलो, देश बदलो, इट्स अ वेरी फंटेस्टिक. और साथ में एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि एजुकेशन जो है वो सर्विस का कोई पासपोर्ट नहीं है. एजुकेशन बदलने का है देश को.
बस यही होना चाहिए। देखिए मैं बता, शिक्षा और ज्ञान में अंतर है। अगर एजुकेशन में आप शिक्षित बना रहे हो तो शिक्षित शिक्षा से आपके मानसिक स्तर का उत्कृष्टता आती है, जिससे आपकी सोच खुली होती है। ज्ञान अर्जन करना बहुत ज़रूरी है। आज का जो समाज है ना, वो सिर्फ डिग्रियों पे चला गया है, शिक्षा पे चला गया है, ज्ञान पे नहीं है। ज्ञान अर्जन करना बहुत जरूरी है। ज्ञान के लिए हाथ से काम करना पड़ेगा, वो काम करना छोड़ दिया हमने। तो मैं इसीलिए कहा सोच बदलो देश बदलो, यानी जब बच्चा पैदा होता है वहाँ से सोच बदलनी है उसकी। हमें उसको ये नहीं पूछना है कि तुम बड़े होके क्या बनोगे, हमको उसको ये पूछना है कि तुम बड़े होके क्या बनाओगे, वहाँ पे देश बदले। सर मेरा एक सवाल है, क्योंकि अभी हाल ही में 12th फेल एक मूवी रिलीज़ हुई थी जो इट्स अबाउट IAS, एंड वो जो हैं कोचिंग वाले हैं, जो दृष्टि वाले हैं, उनके डायरेक्टर साहब जो हैं वो उसमें एक्टिंग भी कर रहे हैं, तो आपका क्या कहना है जो दिखाया गया, दर्शाया गया कमर्शियल स्केल पे? देखिए तो क्या है कि ये जो हम देखते हैं कि फेलियर स्टोरीज आती हैं, हम ये बोलते हैं कॉलेज ड्रॉप आउट थे, ये स्कूल ड्रॉप आउट थे, वो सक्सेसफुली इसीलिए हुए क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं था। हमारे पास ऑप्शंस के बहुत आयत है, ये नहीं कर लेंगे तो वो कर लेंगे, ये नहीं कर लेंगे तो वो कर लेंगे, वो नहीं कर लेंगे तो ये कर लेंगे। अब उसने अगर पढ़ाई ही नहीं करी तो उसको मालूम है कि मेरे को कुछ तो जीवन यापन के लिए करना है, और वो उसमें मेहनत करता है। तो एक कुशल दृष्टिकोण के साथ, एक मेंटरशिप के साथ, यानी हमारे जो शिक्षक हैं उनको सिर्फ शिक्षक ही नहीं होना चाहिए, यानी मैं कहता हूँ टीचर को ट्रांसफार्मर बनना पड़ेगा, उसको एक इंसान के जीवन में एक बदलाव लाना पड़ेगा, और उस ट्रांसफार्मर के लिए उसको सोच बदलनी पड़ेगी। आपका जो, क्योंकि यू हैव बीन अ मेंटर और आप मेंटरिंग करते हैं, तो आप कुछ दो तीन पॉइंट्स बताएंगे जो लोग सुन रहे हैं वो उसको कैसे अपने जीवन में बदलाव। पहली चीज़ तो ये कि जो भी आप करो दिल से करो, फिर दिल दिमाग सब कुछ उसी में लगा दो। आप ऑप्शंस नहीं रखो, आप जितना ज़्यादा ऑप्शंस रखोगे तो आप सक्सेसफुल नहीं होगे। आप अपने जीवन में ऑप्शंस सीमित रखो, दिल लगा के काम करो। मैं ये नहीं मानता कि इस दुनिया में पत्थर को भी नहीं चमकाया जा सकता है। जब पत्थर से मूर्तियां तराशी जा सकती हैं, जब ताजमहल खड़ा किया जा सकता है, जब इतने बड़े बड़े इमारतें खड़ी की जा सकती हैं, तो फिर इंसान क्यों नहीं बनाया जा सकता। तो अपने आप को तराशो, और ईश्वर ने 50% सुख दिया है, 50% दुख दिया है। जो ज़्यादा पहले ज़्यादा खर्चा कर लोगे वो ज़्यादा बाद में कम रहेगा। तो हम अपनी लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस, अपनी मुश्किलों को पार करते हुए, उनसे जूझते हुए आगे बढ़ें, और अपनी जो ग्रिट है, अपनी जो क्षमता है उसको बढ़ाएं। तो मेरा ये कहना है कि हम उनको इनेबल करें, हम उनको यानी संघर्ष करने की शक्ति दें, ये मेरा कहना होता है। सर जो है अभी क्योंकि टीचर हैं और हमारे फादर भी टीचर हैं, और जो हमारे भारत के डॉक्टर राधाकृष्णन जी जिनके उस पर शिक्षा दिवस टीचर्स डे मनाया जा रहा है, तो सर ने आज सबको एक गुरु मंत्र पैनल डिस्कशन में भी दिया है और अभी हम लोगों को भी दिया है कि अपना जीवन जो लोग मतलब उसको एक वी हैव टू पुट इन अ राइट डायरेक्शन। सो थैंक यू वेरी मच। अपनी पूरी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और उसमें अपना खून पसीना सब झोंक दें, सब झोंक दें। आप पतंग बनाना चाहते हो, आप पतंग बनाओ। आप पान की दुकान खोलना चाहते हो, पान की दुकान खोलो, लेकिन नंबर वन होना चाहिए। आप खेती करना चाहते हो तो नंबर वन होना चाहिए। आप टीचर बनना चाहते हो तो नंबर वन। आप जो भी करो पूरी दिल, पूरे दिलो दिमाग के साथ करो, पूरे जुनून के साथ करो। इस दुनिया में अगर भगवान ने किसी आत्मा को उतारा है तो उसको एक USP के साथ उतारा है, और उस USP को पहचानो और आगे बढ़ो। सो थैंक यू वेरी मच, और आपसे हम लोग रूबरू होंगे दोबारा।